वेलकम टू मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्र आने वाले हैं और हम लोगों को व्रत की रेसिपीज़ की, नई नई रेसिपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज मेन्यू कार्ड के किचन में साबूदाना बड़ा बनाते हैं, वो भी साबूदाना को बिना भिगोए झटपट साबूदाना बड़े की तैयारी करते हैं। तो हमने इसके लिए एक पैन ले लिया है और इसमें एक कप साबूदाना ऐड किया है। साबूदाना को 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। साबूदाना रोस्ट करने का कारण ये है कि इसमें यदि थोड़ी भी नमी हो तो वो जो है मॉइस्चर जो है उसका उड़ जाए और साबूदाना हमारा पीसने में हम लोगों को आसानी रहे। एक कप साबूदाने में फ्रेंड्स लगभग 10 से 11 बड़े तैयार हो जाएंगे। तो आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से साबूदाना ले सकते हैं। और ये हमने मीडियम साइज़ वाला साबूदाना लिया है इसके लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा साबूदाना रोस्ट हो गया है। अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। बहुत महीन पाउडर आटे की तरीके से नहीं बनाना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। जिस तरीके से चावल का आटा हाथ में दरदरा सा लगता है, उस तरीके का पाउडर हमको तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है हमारा साबूदाना का पाउडर और आप देख सकते हैं ये इस तरीके के टेक्सचर का है। अब हम एक पैन में कुछ रोस्टेड पीनट्स ले लेंगे और इनका छिलका निकाल के इसका भी एक कोर्स पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर क्या, बस आप इसको पल्स मोड पे 2-3 बार चला के एक दरदरा सा मूंगफली को क्रश करने हैं। बस जब बाइट में वो आते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो हल्का सा दरदरा ही रखना है इसको। और इसके साथ ही अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लेते हैं और इसमें जो है 2 मीडियम आकार के कच्चे आलू लेते हैं और उनको रफली चॉप्ड करके इसमें ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हमने आलू अपने कट करके इसमें डाल दिए हैं और यहीं पर हम 2 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक इसमें ऐड करेंगे। यदि आप चाहें तो आप इनको बाद में काट के भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो जो है थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इनको पीस के ऐड कर रही हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आलू का बैटर भी तैयार है और अब हम खुद इसमें ये बैटर मिक्स कर देंगे। खाने वाला नमक जो भी आप व्रत में यूज़ करते हैं और इसके साथ ही कुछ चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। यदि आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। काली मिर्च का टेस्ट साबूदाने बड़े में काफ़ी अच्छा आता है तो उसको ज़रूर डालिए और साथ में 1 बड़ा चम्मच जीरा डालिए। फ्रेंड्स, इसका बैटर बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जो आलू हमने पानी डाल के पीसा था उसके साथ में ये मिक्स हो जाएगा और फिर इसको हमको 15 से 20 मिनट छोड़ देना है जिससे कि साबूदाना मॉइस्चर के साथ में जो है थोड़ा सा फूल जाए, क्योंकि यदि साबूदाना पूरी तरीके से फूलेगा नहीं तो जो है जब हमारे कटलेट या टिक्की बनेंगी तो जब वो ऑयल में जाएगा तो वो जो है उसमें क्रैक पड़ जाएंगे और वो फटने लगेगा। तो इसका डो कुछ इस तरीके का तैयार करना है कि जैसे जो हम लोग कटलेट का डो तैयार करते हैं, बहुत सूखा भी नहीं तैयार करना है और बहुत गीला भी नहीं तैयार करना है। फिलहाल पहले उतना ही जितना हमने आलू पीसा था उतना ही पानी डाल के इसको थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए करीब छोड़ दीजिए। फिर हम देखते हैं कि इसको कितने पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स, आपके यहाँ नवरात्र के व्रत में कौन कौन सी रेसिपीज़ खाई जाती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और तब तक व्रत में खाने वाली एक चटपटी हरी चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक ग्राइंडर जार में हरी धनिया ले ली है और साथ ही इसमें कुछ पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं और 2 हरी मिर्च ऐड करी हैं, साथ में 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है। और यहाँ पर हम कुछ क्रश्ड मूंगफली जो भुनी हुई हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे और इन सबको डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
और इसमें खटास के लिए नींबू के रस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हमारी चटपटी हरी चटनी तैयार हो जाएगी। चटनी आप अपने स्वाद अनुसार जैसी भी चाहें वैसी बना सकते हैं। नींबू का टेस्ट इस चटनी में काफ़ी अच्छा आता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी भी तैयार है और आधा घंटा हो गया है। अब हम अपने साबूदाने के बैटर को चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी ये सूखा सा हो गया है, तो इस तरीके के बैटर से आप कटलेट मत बनाइएगा, वरना ये गर्म होने के बाद जैसे ही ऑयल में जाएंगे और गर्म होंगे वैसे ही ये क्रैक हो जाएंगे और फटने लगेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। इस मटेरियल को खूब अच्छे से हाथों से मसल के अच्छे से मैश करिए, जिससे कि आलू और साबूदाना आपस में बहुत कायदे से मिक्स हो जाए। देखिए हमको थोड़े पानी की आवश्यकता और पड़ी है। जिस तरीके से हम लोग रोटी का डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का हमको डो चाहिए। जिस डो से आप आसानी से कटलेट बना सके बस उतना ही गीला हमको करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा डो लगभग तैयार हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के और सारे कटलेट्स हम बना के एक प्लेट में रख लेंगे। कटलेट को आप मनचाहा आकार दे सकते हैं, चाहे तो राउंड आकार दे दीजिए और चाहे तो गोल आकार दे दीजिए। हमने यहाँ पर जीरा ऐड किया है, हमने पहले नहीं ऐड किया था। जीरे का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, जीरा ऐड ज़रूर करिए। चलिए अब हम इसको मनचाहे आकार में इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। हमने राउंड शेप की टिक्कियाँ बनाई हैं और आप चाहें तो इसको सिलेंड्रिकल शेप की या किसी स्क्वायर बर्तन में इसको प्रेस करके जमा दीजिए और उनके स्क्वायर पीसेस भी काट सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इसको वैसी शेप दे सकते हैं। राउंड शेप जल्दी हो जाती है इसलिए मैंने इसको राउंड शेप दी है। और तब तक दूसरी तरफ हम गैस पे एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं। हमको इनको डीप फ्राई करना है, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल जब तेज गर्म हो जाए तभी इसमें ये साबूदाना वड़ा ऐड करिए और 2 मिनट बाद फ्लेम को स्लो कर दीजिए। अगर आप तेज टेम्परेचर में ये सारे वड़े तलेंगे तो जो है ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए 2 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम ज़रूर कर दें। इन साबूदाना को पकने में दोस्तों करीब 9 से 10 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं तभी ये अच्छे से कुक हो पाते हैं। देखिए इन पे लाइट गोल्डन कलर आ गया है, आप जैसे चाहें उस तरीके से इसको कलर दे सकते हैं। यदि आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट रखिए और डार्क कलर पसंद है तो आप इसको डार्क कलर भी दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस नवरात्रि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके यहाँ व्रत में कौन कौन सी रेसिपीज़ बनती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे साबूदाना वड़ा जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी होके तैयार हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और जो है उसके बाद हम सेकेंड बैच इसमें डालेंगे। तो लगभग 1 कप साबूदाना और 2 मीडियम आकार के आलू के साथ में करीब 10 हमारे वड़े तैयार हुए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सेकेंड बैच भी हमने डाल दिया है और चलिए हम इन बड़ों का एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है। ये हमारी बिटिया रानी है और इनको साबूदाना वड़ा बहुत पसंद है, तो आप इनके एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं कि साबूदाना वड़ा कैसा तैयार हुआ है। तो इन नवरात्रों आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।